में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या शुक्ला। आइए बढ़ते हैं खास खबर की ओर। बड़ी खबर सामने आने जहां बदमाशों ने सराफा व्यापारी पर की फायरिंग, मचा हड़कंप। जानकारी के अनुसार महोबा जनपद के पनवाड़ी कस्बे में सराफा व्यापारी को सरेआम गोली मारने का मामला सामने आया है। वहीं व्यापारी को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां नाजुक हालत होने के चलते झांसी रेफर कर दिया। बाइक सवार हमलावर बदमाश व्यापारी का बैग छीनकर भी भाग गए। सूचना मिलते ही एसपी अपर्णा गुप्ता सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। दरअसल आपको बता दें कि पनवाड़ी के सराफा कस्बे से सटा अलीपुर देर शाम गोलियों की तड़वड़ाहट से गूंज उठा। अज्ञात हमलावरों ने घात लगाकर ज्वेलरी शोरूम मालिक पर फायर कर दी, जिससे अजय कांत सोनी पुत्र दुलीचंद गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जाता है कि हमले के बाद बेखौफ बदमाश व्यवसायी का सोने चांदी का बैग लेकर फरार हो गए। पुलिस द्वारा आनन फानन में उसे स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद घायल युवक को झांसी रेफर कर दिया गया है। ड्यूटी में तैनात डॉक्टर गिरिजा प्रसाद ने बताया कि अजय कांत पुत्र दुलीचंद सोनी गंभीर रूप से घायल था। जानकारी के मुताबिक शाम के समय चौबे मार्केट स्थित शोरूम को बंद कर अजय मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहा था। इस वारदात से समूचे नगर में अफरा तफरी मच गई है। हादसे के बाद अस्पताल के बाहर सैकड़ों लोग भीड़ इकट्ठा हो गए। इस वारदात से व्यापारी दहशत में है। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जांच पड़ताल में जुट गया है। संवाददाता मोहम्मद सरफराज की रिपोर्ट। मेरा नाम नंदिनी सोनी है, मेरे पापा का नाम अजय कांत सोनी है, और वो अभी सुबह कुछ एकदम सब सही था, और वो अभी जब दुकान से घर वापस आ रहे थे तो यहीं पे दो घर छोड़ के ग्रीन कलर का घर बना, तो वहां से वो आ ही रहे थे, तो पता नहीं किसी ने क्या किया, तो पहले दो आवाज आई, तो मुझे ना कोई पटाखा वगैरह गला, लेकिन उसके बाद गोली जैसी आवाज आई, पता नहीं समझ में नहीं आया, मुझे लगा कोई पटाखा वगैरह गला, मुझे ऐसा लगा। तो उसके बाद फिर कुछ नहीं, तो उसके बाद फिर एक लोगों ने गेट नॉक की, तो मेरी मम्मी पूजे के लिए रेडी हो रही थी, मैं पढ़ रही थी, तो एक लोगों ने बताया, तो फिर हम लोग गए जल्दी से दौड़कर, तो उनको थोड़ा सा लग गया था, तो मैंने उनका सर वगैरह पकड़ा, तो उनको सर से खून आ रहा था, और उसके बाद फिर थोड़ा लोग कलेक्ट हुए, फिर पापा हॉस्पिटल निकल गए। आपने देखा कौन लोग थे क्या? मैंने कुछ नहीं देखा, हम सब लोग अंदर थे। बैग वगैरह लिए थे क्या कुछ सामान? हाँ, बैग दुकान से आ रहे थे, तो सारा बैग वगैरह लिए थे, तो उसमें गोल्ड सिल्वर सब था, तो वो सब लिए थे। तो बैग मिला आपको? नहीं, बैग तो तुरंत ही चला गया। अच्छा, ले गए थे? बोल बैग ही ले गया, उनका निशाना बैग पर ही था। कोई दुश्मनी तो नहीं पहले से? कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ज्वेलर्स की घटना का अंजाम दिया है, क्या मामला है इसका? देखिए, आज शाम को एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना पनवाड़ी में एक मोहल्ला है अलीपुरा, जिसके रहने वाले अजय सोनी, ये अपनी दुकान से वापस आ रहे थे, और जब ये आ रहे थे तो रास्ते में इनके ऊपर फायर हुआ है, जिसमें इनको गोली लगी है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर तुरंत ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और इनको उपचार हेतु CHC ले जाया गया, जहां से इन्हें आगे झांसी रेफर किया गया है। हमारी पूरी पुलिस टीम उनके साथ उनको लेके झांसी को रवाना हो चुकी है। मौके पर फील्ड यूनिट, सर्वेलेंस, स्वाट और सभी उच्चाधिकारी सभी मौजूद हैं। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है। इसमें जैसे ही तहरीर प्राप्त होगी, उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। इसके लिए चार टीमों का गठन ऑलरेडी कर दिया गया है। बहुत जल्दी इस घटना का खुलासा किया जाएगा।